हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शेख फैमिलीज ब्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, फीफा कतर 2022 विच इज़ अमेजिंग एंड एक्सपेंसिव फुटबॉल वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा एवर। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कतर ने कैसी तैयारियाँ की है फीफा 2022 के लिए और कितना खर्चा हुआ है कतर को आज तक। Qatar FIFA Football World Cup 2022, which is in November-December, going to be the most expensive football World Cup ever. FIFA की हिस्ट्री में जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उन सब का खर्चा एक तरफ रखा जाए, फिर भी वो कतर वर्ल्ड कप का दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 2022 FIFA World Cup is Qatar. 2010 में वर्ल्ड कप ऑफिशियली कतर को मिलने के बाद कतर ने दिन रात एक कर 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बनवाए, बल्कि एक प्लान सिटी भी बना डाली फुटबॉल फैंस को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए। दोहा मेट्रो के नाम से रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी ओपन किया। अकोमोडेशन के लिए लग्जरी अपार्टमेंट्स बनवाए, विलास क्रूज शिप होटल्स और फैन विलेजेस भी बनाए गए हैं। चाइना के कैपिटल बीजिंग से भी छोटा और टर्की के इस्तांबुल से दुगना कतर मिडल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क है। 11,571 स्क्वायर मीटर फैला हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी के साइज को देखकर उसकी पावर को जज नहीं करनी चाहिए। कतर छोटा बेशक है, लेकिन अरब कंट्री में सबसे अमीर और जीडीपी पर कैपिटल दुनिया का अमीर मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा ले, आप इंडिया में रहकर महीना 1,12,000 पर मंथ उठाते हो तो ये इनकम कतर में उन सिटीजन्स की है जो वहाँ पर सबसे गरीब तसव्वुर किए जाते हैं। जी हाँ, कतर दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका पावर्टी रेट लिटरली 0% है। यहाँ के एवरेज $1,28,000 पर ईयर हर एक सिटीजन्स कमा लेते हैं, जबकि अमेरिका जो एक सुपर पावर है वहाँ का हर एक सिटीजन साल के $60,000 पर ईयर, जबकि यूके में सालाना इनकम $44,000 पर ईयर है। कतर में पावर्टी रेशो न होने की वजह से यहाँ से ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल एंड गैस का निकलना और यहाँ की कम पॉपुलेशन है। अरब कंट्रीज अपने शानदार अलीशान और लग्जरी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए वैसे ही पूरी दुनिया में फेमस है, फिर चाहे सऊदी लाइन सिटी का प्रोजेक्ट हो, कुवैत की सी सिटी का, या फिर दुबई में मौजूद पाम आइलैंड्स या दुनिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा क्यों ना हो। इन तमाम प्रोजेक्ट्स में एक चीज़ें कॉमन है, दुनिया को हैरान करने के लिए बनाए गए हैं। टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ को हैरान करने के लिए कतर भले कैसे पीछे रह सकता है। फीफा कतर 2022 एक ऐसा हथियार है जो बाकी कंट्रीज़ पर भी हावी हो सकता है। द गार्डियन न्यूज़ की रिपोर्ट के हिसाब से कतर 2022 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हर हफ्ते $500 मिलियन बहा रहा है, और वो भी पिछले 10 सालों से। यानी अब तक कतर ने $230 बिलियन का खर्चा कर चुका है। यानी आज के दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क अपना टेस्ला और स्पेसएक्स का सारा शेयर बेच भी दे, फिर भी वो इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर ने 8 वर्ल्ड क्लास 16 पावर स्टेडियम्स बनाए हैं। स्टेडियम्स की लोकेशन ये कतर के कैपिटल दोहा से सिर्फ 55 किलोमीटर रेडियस के अंदर मौजूद है। यहाँ का कड़कती गर्मी से बचने के लिए सारे स्टेडियम्स को एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। कतर ने जो 8 स्टेडियम्स बनाए हैं, और उनका मैंने पहले भी हमारे वीडियोस में मेरे चैनल पे उसका ब्लॉग बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें। उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि कतर ने स्टेडियम से पीछे कितना खर्चा किया है और कितना फैबुलस अमेजिंग स्टेडियम्स बनाए हैं। आज की तारीख में जो स्टेडियम्स है कतर के गाइस, पूरे एयर कंडीशनिंग है, सोलार इक्विप्ड है और काफ़ी अरेंजमेंट्स है इनसाइड स्टेडियम्स के, तो वो मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना। आजकल की भागम दौड़ की दुनिया में हम अपने ख्याल नहीं रख पाते, जी हाँ बिल्कुल, सोच हमारे बालों को लेकर, हमारे बाल हमारे लिए, हमारी पर्सनालिटी को
चार चौंग लगा देते हैं, और इसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिन जिन को शिकायत है अपने हेयर फॉल से, डैंड्रफ से, स्कैल्प के इशू से, वो कोको फ्यूजन ऑयल इस्तेमाल करें। कोको फ्यूजन ऑयल आपको इंस्टाग्राम से एक लिंक में शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक से आप जाकर ऑर्डर करें, आपको डिलीवर हो जाएगा घर पर। और ये कोको फ्यूजन ऑयल बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ है गाइस, और जैसा आप इसको ऑर्डर करोगे तो इसके साथ इसका आपको फोम भी मिलेगा। और ये इस्तेमाल करके आप जैसा आपने ऑयल अप्लाई कर दिया है आपके बालों पर, तो ये कोम से उसको सहलाना है ताकि तेल जड़ों तक ज़रूर पहुँचे। और ये जो कोको फ्यूजन ऑयल है, इसका इंग्रेडिएंट्स प्योरली ऑर्गेनिक है। इसका जो इंग्रेडिएंट्स है गाइस, कोकोनट ऑयल्स है, एलोवेरा है, फिंगरिंग सीड्स है, गॉसबेरी है, करी लीव्स है, हिबिस्किस फ्लावर एंड शैलॉट्स है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लूँगा। जल्दी से आप इसको ऑर्डर करें और इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, और आप मुझे याद रखोगे कि आपको ये कैसा फ़ायदेमंद रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर वंस पे ज़रूर शेयर करें। आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग शेख फैमिलीज ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।